हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। ये देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। हमारे द्वारा यूजीसी नेट की, पीजीटी, टीजीटी या कोई भी पेपर है, उन सब की तैयारी कराई जाती है। तो आज हमारी जो क्लास थी वो यूजीसी नेट उपन्यास टॉपिक से लिया गया था। तो हमने पढ़ा था उपन्यास। तो उपन्यास से जिसने उपन्यास से संबंधित जो भी नोट्स हैं वो हमारे द्वारा आज कराए गए क्लास में, और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों को बनाया गया उपन्यास। ये आप लोग देख रहे हैं, आपको ये सारे प्रश्न इसमें डाले जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, हमने आज पढ़ा कि जो उपन्यास है, उपन्यास से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपको बताऊंगी कि आधुनिक गद्य की प्रमुख विधा का नाम बताइए। ये आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, आधुनिक गद्य की प्रमुख विधा का नाम बताइए। तो गद्य की जो प्रमुख विधा है उसका नाम है उपन्यास, ठीक है। उसके बाद है, उपन्यास का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ। उपन्यास विधा का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे, सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण उपन्यास को क्या कहा गया है, क्योंकि जो उपन्यास है वो हमारे समाज के निकट है, उसी चीज़ को हम उसमें पढ़ते हैं। तो उसको एक सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया है। अब आप देखेंगे, उपन्यास एक क्वेश्चन है, उपन्यास को महाकाव्य के समक्ष किसके द्वारा बताया गया। उपन्यास को महाकाव्य के समक्ष किसके द्वारा बताया गया, तो इसका आंसर है राल्फ फॉक्स के द्वारा। राल्फ फॉक्स ने अपने कौन से लेख में उपन्यास को महाकाव्य के समक्ष बताया, तो उनके जो जिसमें उन्होंने जिस लेख में उन्होंने बताया उस लेख का नाम है द नॉवल एज एन एपिक। तो ये इनका क्या है, एक लेख है। तो प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि राल्फ फॉक्स के लेख का नाम बताइए, तो हो जाएगा द नॉवल एज एन एपिक। नॉवल को बांग्ला और हिंदी में किस नाम से जाना जाता है, उपन्यास के नाम से। नॉवल को कादम्बरी कौन सी भाषा में जाना जाता है, मराठी भाषा में जाना जाता है। अब नीचे देखिए, गुजराती में उपन्यास को किस नाम से जाना जाता है, गुजराती में उपन्यास को नवल कथा के नाम से जाना जाता है। दुर्गेश नंदनी का हिंदी में प्रकाशन वर्ष क्या है, 1873 है। तो दुर्गेश नंदनी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो दुर्गेश नंदनी का मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दुर्गेश नंदनी 1865 की रचना पर प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त बंकिम चंद्र की है, जिनको अंग्रेजी उपन्यासकारों से अत्यधिक प्रभावित थे, ठीक है। ये भी अंग्रेजी उपन्यासकारों से अत्यधिक प्रभावित थे, कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद आप देखेंगे, प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यास कौन है, बंकिम चंद्र प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार है। अब देखिए, नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आधुनिक गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है। तो आप उनको अगर तैयारी करनी हो बच्चों, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसमें आपको प्रतिदिन टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। जो आपकी पढ़ाई होती है वो गूगल मीट के द्वारा होती है, उसके बाद टेलीग्राम पे क्विज बनाया जाता है, जो इस प्रकार बनाया गया है, आधुनिक गद्य की प्रमुख विधा कौन सी है, उपन्यास का जन्म कौन से शताब्दी में हुआ, सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण उपन्यास को क्या कहा गया, उपन्यास को महाकाव्य के समक्ष किसके द्वारा बताया गया, नॉवेल को बांग्ला और हिंदी भाषा में किस नाम से जाना जाता है, मराठी भाषा में उपन्यास को क्या बोला जाता है, उपन्यास को नवल कथा कौन सी भाषा में बोला जाता है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने कहा, भाग्यवती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, भाग्यवती उपन्यास की उपन्यासकार कौन है, भाग्यवती उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने कहा है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, और परीक्षा गुरु उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, दुर्गेश नंदनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, दुर्गेश नंदनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग कब किया गया। तो इतने जो आज का टॉपिक आपको समझाया गया था, सिर्फ इतना समझाया गया था, तीन उपन्यासों के बारे में, देवरानी जेठानी की कहानी,
भाग्यवती और परीक्षा गुरु। इतना बच्चों आप लोगों ने समझा, और उसी से संबंधित मैंने अपने यूट्यूब चैनल में हेमा हिंदी एजुकेशनल नाम से मेरा चैनल है। अगर आप लोगों को सच्चे मन से पढ़ाई करनी है, लगन के साथ पढ़ाई करनी है, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि हमारी क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं, और साथ में यूट्यूब चैनल से भी आप हमारे टॉपिक को सुन सकते हैं, और टेलीग्राम में आप लोगों को PDF भी दिया जाएगा, और साथ में आप लोगों को डेली क्विज करने को मिलेगा। इसलिए बच्चों आप लोग मेहनत करो, नेट का फॉर्म निकल चुका है, अभी दिसंबर आने में सिर्फ 2 महीने हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं है, इसलिए आप लोग अपनी लगन से मेहनत से पढ़ाई करें और नेट के पेपर को निकालें, उसे क्वालिफाई करें। धन्यवाद।